हेलो वेलकम बैक गाइस, दिस इज राइड ऑन रोड। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज 35-36 दिन हो गए, गाड़ी बिल्कुल बंद है उतने दिनों से। बैटरी पूरी तरीके से डेड हो गई है इसकी, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी सेल्फ से। अगर आपको दिखाते हैं तो बिल्कुल भी सेल्फ नहीं ले रही गाड़ी। क्या करेंगे, इसको किक से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद ट्राई करेंगे, एक राउंड लेके आएंगे तो उसके बाद ट्राई करेंगे कि स्टार्ट हो जाए और बैटरी थोड़ा चार्ज हो जाए। अगर नहीं होती है तो उसके बाद कुछ और देखेंगे इसका क्या करना है। चलो तो एक राउंड मार के आते हैं तब तक। तो अभी क्या करते हैं, इसे लेके चलते हैं बाहर और थोड़ा चलाते हैं, ट्राई करते हैं कि बैटरी थोड़ा चार्ज हो जाए। गाड़ी में तेल भी नहीं है, चलो मोहन दा। सो मैं आ चुका हूँ अभी रोड पे और ट्राई कर रहे हैं हम लोग कि गाड़ी थोड़ा चले और उसके बाद जो है बैटरी थोड़ा बैकअप आ जाए बैटरी में और चार्ज हो जाए बैटरी थोड़ा सा। तो अभी हम लोग हैं केसी गौचर वाले रोड पे, सो यहाँ से जाएंगे केसी ग्राउंड और उसके बाद हम कॉलेज कैंपस के अंदर से होते हुए वापस जाएंगे। तो उससे 2-2.5 किलोमीटर तो हो ही जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि बैटरी। सो उससे ये होगा कि थोड़ा चार्ज हो ही जाएगी बैटरी 2-2.5 किलोमीटर। दिन के 12 बजे एंड मौसम थोड़ा गर्मी है आज। तो अभी मैं 3-4 किलोमीटर गाड़ी चला के लेके आ गए हैं, तो एक बार अभी और चेक कर लेते हैं किलोमीटर स्टार्ट है। नहीं, कोई सेल्फ नहीं आ रहा अभी गाड़ी में, तो मतलब बैटरी पूरी तरीके से डेड हो गई है। तो एक काम करते हैं, इसकी बैटरी निकालते हैं। और उसके बाद देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे इसका कवर वगैरह खोल दिया है, बैटरी यहाँ पे, ये रही बैटरी यहाँ पे। वो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्क्रू है इसके खोलेंगे और यहाँ पे स्क्रू है इसे खोलेंगे पहले, उसके बाद इसकी बैटरी खोलते हैं। हेलो वेलकम बैक गाइस, तो अभी हम लोगों ने बैटरी निकाल दी है। सो इसमें एमरॉन की बैटरी है 12 वोल्ट 8 एम्पीयर की। सो अभी हम क्या करेंगे, इस बैटरी को चार्ज करने का ट्राई करेंगे पैनल से, सोलर पैनल से ट्राई करेंगे इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। चलो घर चलते हैं और फटाफट इसे चार्ज करते हैं। सो वेलकम बैक गाइस, दिस इज राइड ऑन रोड। सो अभी हम लोगों ने बैटरी को चार्ज करने का जुगाड़ कर दिया है। हमने क्या किया, एक पैनल लिया हुआ है
पैनल से हम लोग बैटरी को डायरेक्टली चार्ज कर रहे हैं, और यहाँ पे एक डायोड लगाया हुआ है कि जिससे ये बैटरी रिवर्स न मारे, इसकी जो पावर जितनी भी बैटरी के अंदर जा रही है वो रिवर्स न मारे। तो यहाँ पे थोड़ा एक जुगाड़ का काम कर रखा हम लोगों ने। एंड अभी क्या किया है कि हमारे पास मल्टीमीटर नहीं है जिससे हम बैटरी चेक कर सके कितनी चार्ज हुई है, तो उसको अनुमान से कर रहे कि हम लोग 5-6 घंटे बैटरी को चार्ज होने के लिए छोड़ देंगे। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कैसा काम करता है, तो इसके बाद मिलते हैं। वेलकम बैक गाइस, दिस इज राइड ऑन रूफ। सो आज हमारा नेक्स्ट डे है, कल के दिन हमने बैटरी लगाई थी चार्ज करने के लिए सोलर पैनल पे। सो आज वापस हम लोग आ गए शॉप पे एंड गैरेज पे आ चुका हूँ, और अभी देखेंगे कि बैटरी को वापस बाइक पे लगाते हैं। तो चार्ज हो गई थी, कल 4-5 घंटे चार्ज लगाया था, उसके बाद बादल आ गए थे, तो उतना देखो कितना चार्ज हो गया तो चेक करते हैं। तो गाइस बैटरी फिट कर दी है, एंड अभी हम चला के देखते हैं इसको एक बार, ऑन करते हैं। काम बन गया, बैटरी चार्ज हो गई है, तो काम बन गया। इसको काम बन गया है, जो जुगाड़ लगाया था बैठ गया, पैनल से चार्ज हो गई है बैटरी। पता नहीं कितने की है वो तो पता नहीं चल पा रहा, बट चार्ज हो गई है बैटरी, साइकिल स्टार्ट हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है गाड़ी के लिए। सो अगर आप घर पर अपनी बैटरी चार्ज करना चाहते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति की निगरानी में ये सब कीजिए जिसको इस चीज़ की नॉलेज हो। मेरे साथ मोहनदा थे, उन्होंने सब बताया था इस तरीके का, वो इलेक्ट्रॉनिक के वो हैं। तो काम हो गया है, कुछ हो गया है, तो ब्लॉग कहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, राइड सेफ फॉर राइड अगेन।